सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं तनु कौशिक और आप देख रहे हैं संचार। जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला आयोजित की है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी देंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, पीर अली खां एक ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने बिहार में घूम घूम कर लोगों में आजादी और संघर्ष का जज्बा पैदा किया। बिहार की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का नाम जितना आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, उतना ही सम्मान पीर अली खां का किया जाता है। बिहार के पटना जिले के एक प्रमुख मुस्लिम क्रांतिकारी पीर अली खां के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पीर अली खां एक ऐसे सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1820 में आजमगढ़ के मोहम्मदपुर गाँव में हुआ था। किशोरावस्था में ही वो घर से भागकर पटना आ गए थे। पटना के जमींदार नवाब मीर अब्दुल्ला ने उनकी परवरिश की और उन्हें पढ़ाया लिखाया था। बड़े होने पर नवाब साहब की मदद से उन्होंने किताबों की एक दुकान खोल ली। तभी से पीर अली खां सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच महत्वपूर्ण पत्रिकाएं या खुफिया संदेशों को गुप्त रूप से वितरित करते थे। 1857 की क्रांति के वक्त बिहार में घूम घूम कर लोगों में आज़ादी और संघर्ष का जज्बा पैदा करने और उन्हें संगठित करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने देश के कई क्षेत्रों में क्रांति की भावना पैदा की और एक नारा भी बुलंद किया, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। पीर अली ने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने की मुहिम में अपने हिस्से का योगदान देना अपने जीवन का मकसद बना लिया था। पीर अली खां का मकसद था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया जाए। उनकी सोच थी कि गुलामी की जिंदगी से तो मौत कई बेहतर है। पीर अली खां और उनके साथियों ने 1857 में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि वे खुद इससे जुड़े थे, लेकिन इतिहास की किताब में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पीर अली ने सैकड़ों हथियारबंद लोगों की अगुवाई करते हुए पटना के गुलजार बाग स्थित अंग्रेजों के प्रशासनिक भवन पर धावा बोल दिया था। 5 जुलाई को पीर अली खां और उनके करीब 14 साथियों को विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया। 7 जुलाई को पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली खां और उनके साथी घसीटा, खलीफा, गुलाम अब्बास, नंदूलाल उर्फ सिपाही, जुम्मन, काजल खान, रमजानी, पीर बख्श, वाहिद अली, महमूद अकबर और असरार अली को बीच चौराहे पर फांसी दे दी। पीर अली ने निडर होकर हंसते हंसते शहीदी को स्वीकार किया। तुम हमें फांसी पर लटका सकते हो, लेकिन हमारे आदर्श की हत्या नहीं कर सकते। मैं मरूंगा तो मेरे खून से लाखों बहादुर पैदा होंगे जो तुम्हारे जुल्म का खात्मा करेंगे। ऐसे गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले आज बहुत कम लोग हैं, मगर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, उनको बस अपना मकसद प्यारा था, ना कि नाम और शोहरत। ऐसे जाबाज योद्धा को शत शत नमन। जल्द फिर एक ऐसे ही राष्ट्र नायक के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।